दोस्तों ये वही जगह है जहाँ पर कल बैरिकेड लगे हुए थे, और आज की बात करें तो वापस लोगों ने अपनी दुकानें यहाँ पर जमाना शुरू कर दी है। कल का क्या माहौल रहा वो आपने भी देखा, क्या समीकरण रहे वो अब हम बताएंगे। उम्मेदाराम बेनीवाल के जीतने के पीछे क्या समीकरण रहे, क्या जातिगत समीकरण रहे, और भाटी के हारने की क्या वजह रही, और जो कैलाश चौधरी की बात करें क्या कैलाश चौधरी के हारने के पीछे क्या रविंद्र सिंह भाटी का हाथ रहा, इन सब पर इन जनता से चर्चा करेंगे और जानेंगे कल का क्या माहौल था। क्या नाम है आपका? बुद्धराम। मोतीराम? बुद्धराम। बुद्धराम कौन सा गाँव? धोरमिना। धोरमिना तो कल का चुनाव था, उसके नतीजे आ रहे थे, आप भी पूरा देख ही रहे होंगे। बहुत बढ़िया आया, उम्मीदवार जी पक्ष में आया, बहुत अच्छा किया। अच्छा आप यही चाहते कि उम्मीदवार बेनीवाल जीते? मैं जाति का विष्णु ही हूँ। उम्मीदवार बहुत अच्छा काम किया और बहुत आगे भी अच्छा काम करेगा, ये बात है। आप चाहते थे कि उम्मीदवार बेनीवाल जीते? हाँ मैं चाहते, या फिर चाहते कैलाश चौधरी जीते? नहीं, उम्मीदवार बेनी जीतना सही था, अच्छा होया, अच्छा होगा। तो आपको क्या लगता है जो रविंद्र सिंह भाटी के हारने के पीछे वजह क्या रही होगी? हारने की वजह तो ये जैसे कैलाश चौधरी को वोट जतिराज से विजय हो जाता है, और जीते उम्मीदवार अच्छा किया, अच्छा जीता, बढ़िया रहेगा। लोगों ने इस बार क्यों कैलाश चौधरी को क्यों पसंद नहीं किया? वो सर क्या है, जातिवाद हो गया था, जातिवाद के कारण जो अपने राजपूत समाज के लोग है, बाकी 33 कौम कुल मिलाकर रविंद्र सिंह भाटी के साथ थी, और जब जाट भाइयों ने सभी एकता करके उम्मीदवार जी को जीता है, बहुत अच्छा किया बात है। जाट भाइयों ने एकता की तब कैलाश चौधरी को हटा दिया और कहा कि उम्मीदवार बेनीवाल को ही इस बार। तो आपको क्या लगता है जो जाट वोटिंग है वो पूरी उम्मीदवार के पक्ष में हुई? लगभग 90% उम्मीदवार बेनीवाल, 90% उम्मीदवार जी के साथ हुई थी, बाकी मुसलमान भाई और जो मेघवाल समाज के लोग है वो भी साथ है, बाकी 36 कौम साथ तो थी, लेकिन ये मेघवाल और मुसलमान है वो थोड़ा ज्यादा साथ दिया। देखिए अगर जातिवाद की बात करें तो एक तरफ रविंद्र सिंह राजपूत और कैलाश चौधरी की बात करें और उम्मीदवार बेनीवाल की, दोनों ही जाट समाज से आते हैं, तो क्यों कैलाश चौधरी को इस बार लोगों ने क्यों पसंद नहीं किया? क्योंकि उम्मीदवार जी है जो पिछली दो बार लगातार हार चुके हैं, इस बार उसकी भी बात रखनी पड़ी इसलिए। बाकी हमें कांग्रेस पार्टी से तो ऐसे सोचना नफरत है, लेकिन इस मुद्दे को देखना पड़ा इस बार। बाकी पार्टी तो बीजेपी ठीक है और बीजेपी यानी सही है, बात ये। अगर बात करें यहाँ पर पूरे प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री इस बार कौन बनना चाहिए आपके साथ? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी? हाँ। क्यों नरेंद्र मोदी क्यों? यहाँ थे आपने बाड़मेर जैसलमेर में, तो कांग्रेस को लाए हो आप? यहाँ तो उम्मीदवार को देख के उनको वोट दिया है। अच्छा, इसलिए। अच्छा यहाँ पर कांग्रेस ले आए और वहाँ पर आपको बीजेपी चाहिए? यहाँ पर लोगों ने जानबूझकर उम्मीदवार को वोट दिया कि एक सीट से कोई फर्क पड़ने वाले नहीं है, उसका भी आज असर हो रहा है, बीजेपी सरकार मुश्किल से बन रही है, लेकिन लोगों ने दे दिया वोट तो। लोगों ने दे दिए। हाँ क्या कहना चाहोगे? कैलाश सरकार, कैलाश चौधरी यानी थोड़ा कैंडिडेट भी हल्का है एमपी में होता है, इससे जब बीजेपी रविंद्र सिंह को टिकट देता है तो बहुत अच्छी जीत हुआ है। अच्छा रविंद्र सिंह की भी जीत होगी? हाँ। अगर बीजेपी ने टिकट देती तो? टिकट देती थी, रविंद्र सिंह को कोई नहीं रोक सकता था। कैलाश चौधरी ऐसे 5 साल में कुछ विकास किया नहीं, पोलिंग हो रही थी उसी टाइम घर सोता था, और कोई बूट बात जाना करना कार्य पूछना करना कुछ नहीं किया था, इसीलिए उम्मीदवार राम की जीत हुई। कैलाश चौधरी काम बहुत कम किया था, कम किया था क्षेत्र में, कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया था, थोड़ा बहुत जातिवाद हो गया, थोड़ा बहुत कैलाश चौधरी आप बहुत हड़का था जो वोट। आपको क्या लगता है जो रविंद्र सिंह भाटी है उनको जो हार का सामना करना पड़ा, कौन सी विधानसभा थी जिन पर उनको उम्मीद थी, उस उम्मीद पर लोग नहीं उतर पाए? हो सकता है उनको सारी विधानसभा उम्मीद होगी, लेकिन उम्मीदवार राम बेनीवाल की टक्कर में वो नहीं रहे। नहीं रहे? नहीं। आपको पहले से ऐसा था, आश्वस्त थे आपकी नहीं उम्मीद? हम पूर्ण रूप से आश्वस्त थे कि उम्मीदवार राम जी बेनीवाल एक तरफा जीत होगी। एक तरफा जीत होगी? हाँ पहले से थी जी। तो लगातार सुबह से जब वोटिंग शुरू हुई, वोटिंग काउंटिंग शुरू हुई, तो लगातार जो उम्मीदवार राम बेनीवाल वो आगे थे, तो कहीं ना कहीं लगातार पीछा कर रहे थे रविंद्र सिंह भाटी। तो आपके मन में, किसी के मन में ऐसा लगा था कि हाँ क्या पता रविंद्र सिंह भाटी भी नहीं? नहीं, हमारे मन में नहीं लगा, क्योंकि लगातार लीड बढ़ती जा रही थी उम्मीदवार राम जी बेनीवाल, लगातार लीड जैसे जैसे परिणाम की ओर जा रहा था, लीड वैसे वैसे बढ़ती जा रही थी। अच्छा, और लीड को देखकर आश्वस्त हो गए थे, तो क्योंकि लगातार देखा आपने कि जो लीड थी वो कभी टूटी नहीं, शुरू से लगाकर एंड तक उम्मीदवार बेनीवाल आगे। हाँ हाँ, 5,000 कभी 10,000 कभी 2,000 कभी 4,000 बढ़ती गई लीड, बढ़ती गई, कम नहीं हुई, नहीं हुई। अच्छा, कहीं कहीं लोगों की भावना इस बार उम्मीदवार बेनीवाल से जुड़ी थी? उम्मीदवार बेनीवाल से और कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि जो किसान विरोधी सरकार थी उसको हटाना चाह रही थी, और विशेषकर बाड़मेर जैसलमेर को पिछड़ा इलाका था पहले से, इसीलिए कांग्रेस को चुना है और अच्छा कैंडिडेट। अच्छा कैंडिडेट।
अच्छा, तो दोस्तों देखिए यहाँ के यहाँ पर लोग थे, इनसे बातचीत की हमने, इनका कहना है कि हमें तो पहले से ही भरोसा के था कि उम्मीदों के उम्मीद है वही इस बार विजय हो गए, क्योंकि बात करें इनका कहना है कि किसी का कि अगर बीजेपी से रविंद्र सिंह भाटी को टिकट मिलती तो वो जीत सकते थे, परंतु निर्दलीय से यहाँ पर नहीं निकल सकते थे। और बात करें कैला चौधरी की, तो कैला चौधरी का इनका कहना है कि इस बार जातिवाद हो गया था, जातिवाद की तरह जो चुनाव हो गए थे, तो इस तरीके से उन्होंने देखा कि इस बार हमें उम्मीदवार राम बेनीवाल को ही मौका देना चाहिए। लगातार ऐसी अपडेट के लिए जुड़े रहिए द खड़क से, मैं आपका साथी राजेंद्र सिंह, धन्यवाद।